हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन मिलेगा। आज हम बात करेंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू नेटवर्क लेटेंसी। जो हमारे लेटेंसी आती है नेटवर्क में, तो उसको कैसे रिजॉल्व करें और उसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन AWS को यूज़ करते हुए चलिए देखते हैं क्या है वो। तो आपके पास एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट एप्लीकेशन है एंड आपको मिनिमाइज करना है नेटवर्क लेटेंसी बिटवीन द EC2 इंस्टेंसेस। मींस दो या तीन EC2 इंस्टेंसेस वहाँ पे रखे हुए हैं एंड यू हैव टू मिनिमाइज द नेटवर्क लेटेंसी बिटवीन देम। सो उस केस में हम कैसे ये अचीव कर सकते हैं कि वो हाई परफॉर्मेंस, हाई थ्रूपुट और लो लेटेंसी इन द नेटवर्क प्रोवाइड करें, का सॉल्यूशन देखेंगे। सो ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ इलास्टिक लोड बैलेंसिंग टू लोड बैलेंस ट्रैफिक बिटवीन अवेलेबिलिटी जोन्स। सेकंड है कि हम क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके, उसके कैशे को यूज़ करके हम नेटवर्क लेटेंसी दूर कर सकते हैं। थर्ड इज़ हम प्लेसमेंट ग्रुप अरेंज कर सकते हैं विद इन अवेलेबिलिटी जोन और प्लेस कर सकते हैं EC2 इंस्टेंसेस को इस तरह से कि उसके अंदर लेटेंसी ना हो नेटवर्क की। एंड फोर्थ वन इज डिप्लॉय हम कर सकते हैं EC2 सेम रीजन में बट डिफरेंट सबनेट्स में एंड डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में, सो दैट उसकी जो रिडंडेंसी है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये चार ऑप्शंस हैं बट द राइट आंसर इज थर्ड वन। क्यों वो हम देखते हैं, बिकॉज थर्ड वन इज राइट। प्लेसमेंट ग्रुप, जब भी नेटवर्क लेटेंसी की बात आती है तो सबसे पहले हमें EC2 को इस तरह से अरेंज करना होता है कि उसके जो नेटवर्क लेटेंसी है वो सबसे कम हो। तो उसको कम करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस जो होते हैं उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्लेसमेंट ग्रुप। प्लेसमेंट ग्रुप के लिए हम आगे देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या। प्लेसमेंट ग्रुप is a logical grouping of instances within a single availability zone. Placement group are recommended for the application जिसके अंदर हम low network latency होती है और high network throughput होती है। Means data packets जो होते हैं वो बहुत fastly travel होते हैं between the instances. So instance no latency को provide करने के लिए and highest packet data transfer के लिए हम प्लेसमेंट ग्रुप को चुनते हैं। प्लेसमेंट ग्रुप इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ इंस्टेंसेस, मतलब उस इंस्टेंसेस को इस तरह से रखा गया है कि उसके अंदर जो नेटवर्क कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और लेटेंसी जो है, जो डिले है वो कम से कम हो। सो एक पूरा रीजन होता है, रीजन के अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन होता है, उस सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इंस्टेंसेस रखे होते हैं और उस इंस्टेंसेस को इस तरह से प्लेस किया जाता है कि, या लॉजिकल ग्रुपिंग में उसको प्लेस किया जाता है। सो इस लॉजिकल ग्रुपिंग को प्लेसमेंट ग्रुप कहते हैं, जिससे कि नेटवर्क लेटेंसी हमारी लो हो जाती है एंड जो डेटा ट्रेवल बिटवीन द इंस्टेंसेस है और कम्युनिकेशन बिटवीन द इंस्टेंसेस है वो फास्ट होता है। सो हमें इस टाइप का इंस्टेंसेस चुनने होते हैं कि जिससे कि नेटवर्क कनेक्शन जो है हमारा फास्ट रहे और डिले कम से कम हो। प्लेसमेंट ग्रुप में भी तीन टाइप्स के प्लेसमेंट ग्रुप होते हैं। फर्स्ट इज क्लस्टर ग्रुप एंड सेकंड इज पार्टीशन ग्रुप एंड थर्ड वन इज स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप। सो दीज काइंड ऑफ द प्लेसमेंट ग्रुप आर ऑल्सो अवेलेबल। सो डिपेंड अपॉन आवर टाइप वी कैन चूज दैट वन। सो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप को इस तरह से अरेंज किया गया है कि एक ही अवेलेबिलिटी जोन में बहुत सारे इंस्टेंसेस को इस तरह से प्लेस किया गया है कि उसमें नेटवर्क कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सो ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एग्जांपल है, एक इमेज है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इंस्टेंसेस जो हैं वो प्लेस किए गए हैं और इस इंस्टेंसेस की जो क्यू है वो इस तरह से प्लेस किए गए हैं कि
ये एक प्लेसमेंट क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप का एग्जांपल बताते हैं कि इसके अंदर लोएस्ट नेटवर्क लेटेंसी होगी एंड फास्ट कम्युनिकेशन होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट वन टू रिड्यूस द नेटवर्क लेटेंसी। एंड वन थिंग वी हैव टू कीप इन अवर माइंड दैट नेटवर्क लेटेंसी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लेसमेंट ग्रुप। सो वट एवर बी द सिचुएशन वी हैव टू चेक दैट वन फर्स्ट विद द प्लेसमेंट ग्रुप इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑन द नेटवर्क लेटेंसी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सत श्री अकाल। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इफ यू हैव एनी वैल्यूएबल कमेंट्स देन प्लीज प्रोवाइड इट।